शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को मानहानि का नोटिस भेजा है। संजय राउत ने नोटिस नारायण राणे के 15 जनवरी के दिन दिए गए बयान को लेकर के भेजा है। नारायण राणे ने कहा था कि बाला साहेब ठाकरे के कहने पर उन्होंने संजय राउत को राज्यसभा का सांसद बनाने के लिए पैसे खर्च किए थे। जब वे संजय राउत के नामांकन के लिए गए तो मतदाता सूची तक में संजय राउत का नाम नहीं था। अब नारायण राणे अदालत में संजय राउत के नोटिस का क्या जवाब देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। नारायण राणे ने यह बयान 15 जनवरी को मुंबई के भांडुप इलाके में कोंकण फेस्टिवल के कार्यक्रम में दिया था। संजय राउत के वकील सार्थक पी शेट्टी के मुताबिक राणे का यह बयान संजय राउत की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने वाला और झूठ पर आधारित है। संजय राउत ने आज मीडिया से बातचीत में कहा, नारायण राणे और किरीट सोमैया जैसे लोग बीजेपी के पोपटलाल हैं, ये बिना सोचे समझे कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल दिया करते हैं। राणे कहते हैं कि मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं था, उससे पहले मैंने 25 बार अलग अलग चुनाव में वोट दिए थे। मतदाता सूची में नाम नहीं था तो वोट कैसे दिए, मैं कोई बांग्लादेशी हूं क्या पाकिस्तानी हूं। राउत ने आगे कहा कि अगर राणे ने मुझे सांसद बनाया तो बाला साहेब ठाकरे कौन थे, मुझे सांसद शिवसेना प्रमुख ने बनाया। नारायण राणे को भी मुख्यमंत्री बाला साहेब ने ही बनाया, हमें सारे पद बाला साहेब ठाकरे ने ही दिए। नारायण राणे को अपने झूठे बयान के लिए माफी मांगनी ही होगी। शिवसेना के सभी नेता उन पर केस दर्ज करने वाले हैं। शिवसेना ठाकरे गुट के सांसद ने आगे कहा, मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं था, नारायण राणे अब साबित करें। राज्यसभा में मुझे चुने जाने के लिए वो कहते हैं उन्होंने पैसे खर्च किए, मतलब क्या किया। इस तरह के पैसे खर्च करना तो एंटी करप्शन के दायरे में आता है। बीजेपी के साथ मिलकर के नारायण राणे झूठ बोल रहे हैं। नारायण राणे को अब अपने ऊपर लगे आरोपों के जवाब कोर्ट में देने पड़ेंगे। संजय राउत ने यह भी चेतावनी दी कि वे किरीट सोमैया के खिलाफ भी नोटिस भेजने वाले हैं। आपको बता दें कि संजय राउत के ऊपर नारायण राणे ने पहले भी काफी हमले किए थे, लेकिन जिस तरीके से संजय राउत को पैसे खर्च करने की बात करके और संजय राउत को सांसद बनाने की बात नारायण राणे ने कर दी थी, उसके बाद से संजय राउत ने नारायण राणे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। ऐसे में एक बार फिर से महाराष्ट्र में सियासी जंग की शुरुआत हो गई है। हालांकि संजय राउत नारायण राणे के बीच जुबानी जंग होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नारायण राणे को सार्वजनिक मंचों पर उनके खिलाफ तथ्यहीन आरोप लगाने के लिए कानूनी नोटिस भेजा है। संजय राउत ने कहा कि राणे को उनके खिलाफ लगाए गए अपने आरोप को साबित करने चाहिए या फिर उनसे माफी मांगनी चाहिए। राउत ने कहा कि नारायण राणे मेरे और शिवसेना के खिलाफ निराधार आरोप लगा रहे हैं, उन्हें अपना आरोप साबित करना चाहिए या फिर माफी मांगनी चाहिए। मैंने अपने वकील सार्थक शेट्टी के जरिए उन्हें कानूनी नोटिस भेजा है। जय महाराष्ट्र। राणे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके धड़े वाली शिवसेना के कटु आलोचकों में से एक हैं। राणे एवं राउत के बीच वाकयुद्ध और तीखा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री राणे पहले शिवसेना में ही थे और उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ मतभेद होने के बाद पार्टी छोड़ दी थी। यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि क्या नारायण राणे संजय राउत से माफी मांगते हैं या फिर कानूनी कार्रवाई का सामना करते हैं, क्योंकि एक बात तो साफ हो गई है कि अब संजय राउत ने उनके खिलाफ नोटिस भेजने का प्लान बना भी लिया है और नोटिस भेजने भी वाले हैं। कुल मिलाकर के यह एक बार फिर से महाराष्ट्र में नई तरह की सियासत शुरू हो गई है। देखना दिलचस्प होगा कि नारायण राणे की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। हालांकि अभी तक नारायण राणे की तरफ से कोई भी जवाब संजय राउत को नहीं दिया गया है और ना ही नारायण राणे ने मीडिया में कोई जवाब दिया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।